नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीरज। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से प्री मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान काफी हद तक गिर गया है। आज भी उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सुहावना बना रहने वाला है। आज भी प्रदेश के पहाड़ी जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ इलाकों में बर्फबारी होने की भी आसार है, जिसके चलते पहाड़ों में ठंड में काफी इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश का तापमान सामान्य बना रहेगा, लेकिन 23 और 24 जून को एक बार फिर तपिश का सामना करना पड़ सकता है। कई मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिसके चलते लोगों को गर्मी का सामना करना होगा, लेकिन 24 जून के बाद मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 25 और 26 जून से उत्तराखंड में मानसून की बरसात शुरू हो जाएगी। लोगों को भीषण गर्मी का सामना करने के बाद मूसलाधार बारिश से निपटना होगा। बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम में मॉनसून काफी प्रभाव डालेगी, क्योंकि बारिश के चलते कई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद हो सकते हैं। साथ ही कुछ पहाड़ी इलाकों में तो भूस्खलन का भी खतरा काफी ज्यादा है। इसके लिए मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बात करें हल्द्वानी शहर की, तो हल्द्वानी में आज सुबह से खिली धूप के चलते तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शाम तक कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं, जिसके चलते लोगों को ज्यादा देर तक धूप की तपिश नहीं सहनी होगी। मौसम एक बार फिर सुहावना होगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो मौसम से जुड़ी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।